इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस सब्जेक्ट का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यस, वेलकम टू वीडियो नंबर 1.10 1.10 1.10। यहाँ पे हम देखेंगे ग्राशॉफ्स लॉ क्या होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ग्राशॉफ्स लॉ क्या होता है, हम इसका स्टेटमेंट को यहाँ देखेंगे, फिर उसके बाद इसके जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये वीडियो खत्म होते तक आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ चीज सीखने के लिए आपको मिलेगा। ओके, यस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ओके, यस, तो देखते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर दिस ग्राशॉफ्स लॉ। ओके, फॉर अ प्लेन 4 बार मैकेनिज्म द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू लिंक लेंथ्स इफ देयर इज कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स। यस, अगर कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स है तो 4 बार मैकेनिज्म में द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक कैन नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू लिंक्स। ओके, यस, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 4 बार मैकेनिज्म है तो उसमें कितने लेंथ होंगे, कितने लिंक होंगे, 4 लिंक होंगे, 4 लिंक के अपने अपने कुछ लेंथ होंगी, तो एक लेंथ मान लो शॉर्टेस्ट है, एक अपने क्या है लॉन्गेस्ट है, और जो बाकी जो 2 लिंक बचेंगे, ओके, दैट इज लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यस, दैट इज लेट सपोज एस अपना क्या लिंक ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक, एल अपना क्या लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक, पी और क्यू अपना क्या है लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 लिंक्स। तो यहाँ पे मैंने एक 4 बार मैकेनिज्म यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ पे अपने हिसाब से मैं यहाँ पे लेंथ को डिसाइड कर लिया हूँ। यहाँ पे ये सबसे लंबा लिंक है तो इसको मैं एल दे दिया हूँ, ये अपना सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है तो इसको मैं एस दे दिया हूँ, और जो बाकी जो 2 लिंक है उसको मैं रैंडमली यहाँ पे पी और क्यू यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ, है ना। तो इस लॉ के हिसाब से जो मेन अपना जो स्टेटमेंट है जो भी है, तो ये स्टेटमेंट से हमारा क्या बनता है कंक्लूजन, दैट इज एस प्लस एल शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू पी प्लस क्यू फॉर कंप्लीट रोटेशन। ओके, यस, फॉर कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन में हमारा क्या होना चाहिए, यस, एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। फॉर अ प्लेन 4 बार मैकेनिज्म द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ का जो लिंक जो लेंथ होगा जब सम करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटर अगर नहीं हो तो क्या होगा, वो या तो लेस देन होगा या फिर वो इक्वल्स टू होगा, है ना। देन सम ऑफ अदर टू लिंक लेंथ इफ देर इज कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 लिंक्स। आपको ये जो है स्टेटमेंट आपको क्लियर मालूम हो चुका होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यस, आगे बढ़ने से पहले आपको 2 चीज मालूम होना चाहिए, क्रैंक क्या होता है और लीवर क्या होता है। लीवर को हम रॉकर भी बोलते हैं, यस, क्रैंक किसको हम कहते हैं, इट इज दैट लिंक विच इज इन कंप्लीट रोटेशन। ओके, यस, क्रैंक हम किसको बोलते हैं, जो कंप्लीटली रोटेट करे, जैसे कि मान लो ये अगर जो लिंक आपको दिख रहा है जिसका नाम यहाँ पर फिलहाल मैं पी लिखा हूँ, अगर ये कंप्लीटली रोटेट करे, ओके, अबाउट ये वाला पॉइंट हो या फिर ये वाला पॉइंट पर अगर कंप्लीटली रोटेट करें तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रैंक बोलेंगे, है ना। वैसे ही रॉकर, एक रॉकर हम किसको बोलते हैं, यस, रॉकर और लीवर जो है एक ही है, और इसे हम क्या बोल, इसे हम कब यूज करेंगे, यस यस इट इज दैट लिंक विच इज इन पार्शियल रोटेशन। यस, मतलब जब कंप्लीटली रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो पार्शियल रोटेशन होगा, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। ओके, यस, इट इज दैट लिंक विच इज इन पार्शियल रोटेशन, और वी कैन से इट इज इन ऑसिलेशन। ओके, तो ये क्रैंक और लीवर आपको मालूम पड़ चुका है। अब अपन इसके जितने केसेस हैं, ओके, यस, इसके जितने केसेस हैं उसको अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो पहला केस अपना क्या है, यस, दैट इज एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू, है ना, यस। तो यहाँ पे अपना जो 3 केस बनता है, इस फर्स्ट केस में 3 तरह की चीज़ अपन पढ़ेंगे, जब हमारा शॉर्टेस्ट लिंक क्या होगा, फिक्स होगा, शॉर्टेस्ट लिंक क्या होगा, क्रैंक होगा, शॉर्टेस्ट लिंक क्या होगा, कपलर होगा। ओके, अब यहाँ पे कपलर क्या होता है, यस, ये है कपलर क्या होता है, मैं आपको दिखा दूँ, यस, तो ये हमारा क्या है, 4 बार चेन है। ओके, अब लेट सपोज इसको मैं आप क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर दे रहा हूँ। ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, तो फिक्स करने पे इसके जो अपोजिट में होगा, ओके, इस लिंक को अगर मैं फिक्स कर लूँ, है ना, जैसे मान लो इसको मैं ऐसा फिक्स कर ले रहा हूँ, ठीक है, यस, इसको अगर मैं फिक्स कर लूँ तो इसके अपोजिट में जो लिंक कहलाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कपलर कहते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। कनेक्टिंग रॉड क्यों बोलते हैं, लेट सपोज ये अपना क्या है, क्रैंक है, और ये हमारा क्या है, रॉकर है। ओके, यस, ये हमारा क्रैंक है और ये अपना क्या है, रॉकर है। तो यहाँ पे अगर अपन इनपुट देंगे तो ये अपना आउटपुट हुआ कि नहीं, यस, यहाँ पे अगर अपन इनपुट देंगे तो आउटपुट मुझे कहाँ मिलेगा,
आखिरी वाले लिंक में मिलेगा। ये फर्स्ट लिंक मैं पहले कह चुका हूँ, लिंक नंबर वन अपन किसको डिसाइड करते हैं, जो लिंक फिक्स होगा। ओके, उसके बाजू में जो लिंक होगा, ये भी है ये भी है। अगर ये मेरा इनपुट लिंक हुआ तो ये अपना आउटपुट लिंक होगा, अगर ये अपना इनपुट लिंक है तो अपना ये आउटपुट लिंक होगा। ओके, अब इनपुट आउटपुट लिंक को जो कनेक्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड, या फिर इसको हम बोलते हैं कपलर। आई बात समझ में? यस। तो अगर अपना एस मतलब शॉर्टेस्ट लिंक अगर अपना फिक्स हुआ, तो जो मैकेनिज्म हमको यहाँ मिलेगा, दैट इज डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ओके यस। अगर अब मेरा शॉर्टेस्ट लिंक क्रैंक बन गया, है ना, अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक क्रैंक बन गया, तो हमको जो मैकेनिज्म मिलेगा, दैट इज क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ओके, डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्या होगा? डबल क्रैंक मैकेनिज्म का मतलब यह है कि इनपुट और आउटपुट लिंक दोनों अपना क्या है, डबल मतलब क्रैंक मैकेनिज्म है। ओके यस, मतलब दोनों क्या होगा, अपना कंप्लीट रोटेशन में होगा। अगर एस अपना क्रैंक हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक इनपुट आउटपुट में एक अपना क्या होगा, कंप्लीट रोटेशन में रहेगा, और दूसरा अपना क्या रहेगा, यस रॉकर, दैट इज पार्शियल रोटेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन मोड में रहेगा, है ना। तो अगर क्रैंक अगर अपना शॉर्टेस्ट लिंक बन जाता है, तो इनपुट लिंक अपना क्या होगा, क्रैंक हो जाएगा, और ये जो है अपना क्या बोलना चाहिए, रॉकर, रॉकर अपना क्या होगा, ये आउटपुट लिंक हो जाएगा। वैसे अगर मान लो अपना यस एस अगर अपना कपलर बन जाता है, कपलर मैं कह चुका हूँ क्या होता है, जो फिक्स लिंक होता है उसके अपोजिट में जो लिंक होता है। ओके, उसके आजू बाजू के एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपोजिट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, कपलर बोलते हैं। तो अगर अपना ये एस दैट इज शॉर्टेस्ट लिंक अगर अपना कपलर बन जाता है, तो उस केस में जो मुझे मैकेनिज्म मिलेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज डबल रॉकर मैकेनिज्म, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डबल लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे जितने भी टाइप के आपके मैकेनिज्म का नाम यहाँ पे लिया हूं मैं, उसके बहुत सारे नेम्स होते हैं, है ना, उसको भी अपन यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डबल क्रैंक मैकेनिज्म को और भी हम क्या बोल सकते हैं, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ड्रैग क्रैंक मैकेनिज्म बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं रोटरी रोटरी कन्वर्टर। ओके, डबल क्रैंक मैकेनिज्म को क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म बोल सकते हैं, ड्रैग क्रैंक मैकेनिज्म बोल सकते हैं, फिर रोटरी रोटरी कन्वर्टर बोल सकते हैं। वैसे ही क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म को अपन क्या बोल सकते हैं, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, है ना, रॉकर को अपन लीवर बोलते हैं। तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, या फिर रोटरी ऑसिलेटिंग कन्वर्टर। ओके, वैसे हमारे पास जो डबल रॉकर मैकेनिज्म है ना, जो डबल रॉकर मैकेनिज्म है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल लीवर मैकेनिज्म बोल सकते हैं, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग कन्वर्टर। ओके, आपको सभी प्रकार के नेम जो है आपको पता होना चाहिए। ओके यस, आगे बढ़ते हैं केस नंबर टू के साथ। केस नंबर टू, दैट इज एस प्लस एल, दैट इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। एस प्लस एल इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, मतलब शॉर्टेस्ट लिंक लॉन्गेस्ट लिंक का जो लेंथ का जो सम होगा, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू लिंक के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वही जो केस नंबर वन में अपन पढ़े थे, वही एग्जैक्टली अपने को यहाँ मिलेगा। दैट इज व्हेन एस इज फिक्स्ड, दैट इज शॉर्टेस्ट लिंक को अगर मैं फिक्स कर दूँ, तो मुझे जो मैकेनिज्म मिले, दैट इज डबल क्रैंक मैकेनिज्म। एस को अगर मैं क्रैंक बना दूं, है ना, अगर क्रैंक मेरा शॉर्टेस्ट लिंक बन जाए, तो क्या होगा मैकेनिज्म मेरा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। वहीं अगर अपन शॉर्टेस्ट लिंक को अगर अपन कपलर बना ले, यस, तो उस केस में जो हमको मैकेनिज्म मिलेगा, दैट इज डबल लीवर, या फिर डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। ओके यस। अब थर्ड केस अपन जो पढ़ने वाले हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, केस नंबर थ्री, एस प्लस एल इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। देखो सब सेम है कि नहीं, बट यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट लिंक जो है, ओके, वो मान लो जैसे हमारे पास चार लिंक होते हैं, एस, है ना, एल पी क्यू। अब मान लो हमारे पास जो लिंक के जो लेंथ है, दैट इज मान लो, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, 50 50 60 70 दिया हुआ है ना, 50 50 60 70। तो 70 वो अपना लॉन्गेस्ट लिंक हो जाएगा, और 60 जो है वो अपना पी और क्यू में से कोई एक मान लो, वो अपना क्या है, क्यू है, तो पी और क्यू अपना क्या बन जाएगा, 50 50 हुआ कि नहीं। तो उस केस में यस, मैं जो केस ले रहा हूँ अभी, मान लो हमारे पास लॉन्गेस्ट लिंक है जो कि रिपीटेड है, मतलब जो चार लिंक के लेंथ अपने दिया हुआ है, उसमें दो लिंक ऐसे हैं जो शॉर्टेस्ट हैं, तो शॉर्टेस्ट तो अपने को ये एक ही लेना है, लेकिन दूसरे जो है, दैट इज पी और क्यू में से किसी को अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जैसे मैं बताया 50 50 60 70, तो 50 50 में एक 50 हो जाएगा शॉर्टेस्ट लिंक, और दूसरे को अपन क्या मानेंगे, पी मान लेंगे। ओके, तो वही मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। दैट इज लेट्स सपोज अपना पी जो है वो अपना क्या है, शॉर्टेस्ट लिंक के इक्वल है, या फिर आप मान लो
पी जो अपना लॉन्गेस्ट लिंक के इक्वल है, या फिर मान लो दोनों ही, दोनों तो नहीं हो सकता है ना, जैसे मान लो ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, कुछ भी अगर ऐसा रहेगा तो मैं यहाँ पे दो कंडीशंस को आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यस, तो यहाँ पे हमारा जो पहला लिंकेज बनता है, दैट इज पैरेलल क्रैंक फोर बार लिंकेज। ओके, पैरेलल क्रैंक फोर बार लिंकेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लिंकेज भी बोलते हैं। ओके, इसी को हम पैरेललोग्राम लिंकेज बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखो, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पे देखो, ये जो दो एडजेसेंट साइड्स आपको दिख रहे हैं, ओके, जो दो अपोजिट साइड्स आपको दिख रहे हैं, ये एडजेसेंट साइड्स नहीं, ये अपने क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। ये अपोजिट साइड्स अपने क्या है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट लिंक एस हो जाएगा, और ये जो अपोजिट साइड्स आपको जो दिख रहा है लिंकेज, लिंक आपको दिख रहा है, इट इज लॉन्गेस्ट लिंक, है ना। तो यहाँ पर देखो दो लॉन्गेस्ट लिंक है और दो यहाँ पे शॉर्टेस्ट लिंक है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं लॉन्गेस्ट लिंक को अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर लूँ, है ना, अगर लॉन्गेस्ट लिंक को यहाँ पे फिक्स कर लूँ, तो जो मैकेनिज्म आपको यहाँ मिलेगा, दैट इज डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ये भी यहाँ पे रोटेट करेगा और ये भी यहाँ पे क्या करेगा, कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे रहेगा। बट अगर मैं एस को, है ना, अगर ये जो आपको एस दिख रहा है, दैट इज शॉर्टेस्ट लिंक, अगर मैं इसको फिक्स कर लूँ या फिर इसको फिक्स कर लूँ, तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा, यस, यहाँ पे जो मैकेनिज्म मिलेगा, दैट इज ऑल्सो डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इट ऑलवेज गिव्स पैरल क्रैंक फोर बार लिंकेज जो है, दैट इज पैरेललोग्राम लिंकेज जो है, वो हमेशा हमको क्या देगा, यस यस, दैट इज ऑलवेज गिव्स डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ओके, वैसे हमारे पास एक और लिंकेज है जिसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड लिंकेज, है ना। यहाँ भी क्या रहेगा, देख लो यहाँ पे, यस, यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, दो शॉर्टेस्ट और दो लॉन्गेस्ट लिंक रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रहेंगे, दो शॉर्टेस्ट लिंक आपस में एडजेसेंट साइड्स में रहेंगे, वैसे हमारे दो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको लॉन्गेस्ट लिंक, ये भी क्या रहेगा, एडजेसेंट साइड्स में रहेगा। ओके, इसके एडजेसेंट साइड में ये है, इसके एडजेसेंट साइड में ये है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एस को फिक्स कर लूँ, इसको फिक्स करूँ या फिर इसको फिक्स करूँ, तो जो मैकेनिज्म मिलेगा यहाँ पे, दैट इज नोन एज डबल क्रैंक, नहीं, डबल रॉकर मैकेनिज्म। अगर मैं एस को फिक्स करता हूँ तो मैकेनिज्म मुझे कैसे मिलेगा यहाँ पे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। बट अगर मैं एल को फिक्स कर लूँ, है ना, इस लिंक को फिक्स करूँ या फिर इस लिंक को फिक्स करूँ, ओके, यस, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। ओके, अगर मैं एस एस लिखा हूँ या फिर एल एल लिखा हूँ, मतलब क्या है, दोनों शॉर्टेस्ट लिंक का लेंथ इक्वल है और दोनों यहाँ पे लॉन्गेस्ट लिंक का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो लेंथ किसी एक लिंक को अगर मैं फिक्स कर लूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, लॉन्गेस्ट लिंक को अगर मैं फिक्स करता हूँ तो जो मैकेनिज्म है, दैट इज क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ओके, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेल्टॉइड लिंकेज आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर एस लिंक को फिक्स करता हूँ तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म, अगर मैं लॉन्गेस्ट लिंक एल को अगर मैं फिक्स करता हूँ तो जो मैकेनिज्म मिलेगा, दैट इज क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अब अपन आएंगे लास्ट वाले केस में, यस, लास्ट वाला केस क्या है, जब एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। ओके, हमने यहाँ पे देखा था ग्रैशॉफ्स लॉ में, दैट इज ये था हमारा ग्रैशॉफ्स लॉ, है ना, आपको याद होगा, थोड़े पहले हमने देखा था, दैट इज सॉरी, एस प्लस एल इज लेस देन और इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। बट यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ओके, वो थोड़ा अपोजिट है ना, अपोजिट क्या है, ये तो ग्रैशॉफ्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है ना, दैट इज एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। ओके, तो ये जो है, ये जो केस नंबर फोर है, इट डज नॉट फॉलो ग्रैशॉफ्स लॉ। ओके, बट यहाँ पे आपको जो मैकेनिज्म मिलेगा, जो आपको यहाँ पे मैकेनिज्म मिलेगा, दैट इज डबल रॉकर मैकेनिज्म। ये जो है आपको पता होना चाहिए कि भले यहाँ पे ग्रैशॉफ्स लॉ आपका फॉलो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे डबल रॉकर या फिर डबल लीवर मैकेनिज्म यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।